मेरा नाम मैक्स है। मेरी जिंदगी आग और खून है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवीज फॉर यू। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज मैड मैक्स। हम चलते हैं हमारे, शुरू करते हैं हमारी मूवी को। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ कहते हैं कि मूवीज देखना है, ये बंदा क्यों है, क्या है, कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ये वीडियो को देखें ही ना। चलिए हम शुरू करते हैं मूवीज़। मुझे पता है आपको मज़ा आएगा, तो हम चलिए शुरू करते हैं हमारी मूवी। जब दुनिया बर्बाद हुई, हम में से हर एक अंदर से टूट रहा था। समझना मुश्किल था कि ज्यादा पागल कौन है, मैं या बाकी सब। हेलो, पूरा बंजर जमीन। यादें फिर लौट आई मेरे दिमाग के काले हिस्से में रेंग कर घुसने। तुमने मदद करने का वादा किया। मैं खुद से कह ये मूवी मैंने देखी थी, बहुत साल हो गए उसको। शायद हमारे वहाँ पे आते थे 5-5 रुपए या 2-2 रुपए दे के मेरे बचपन में। वो उस टाइम पे मैंने देखी थी ये मूवी। जब से याद भी नहीं आ रहा। वो मैं हूँ जो जिंदों और मुर्दों दोनों से दूर भागता हूँ। मुर्दा खोर ढूंढते हैं जिन्हें मैं नहीं बचा सका। वो ये मूवी देखे ऐसा लगता है कि क्या फ्यूचर में जरूर ऐसा होगा। गंजा कर देंगे शायद उनको। अरे वो लगा देंगे थप्पा उस पर। निकल गया हीरो। कहाँ थे आप? इसका मतलब इसकी बेटी इसके ख्यालों में आ रही है। वाह, पहाड़ी के ऊपर ग्रीन ग्रीन हरियाली। गया गया गया।
मशीन बहुत ही भारी है उनके पास, नेक्स्ट लेवल। और ये हमारा गुंडा यानी डाकू आ गया, हमारा डाकू। जन्नत क्या है ऊपर, यार बोलो हालत क्या हो गई यार, ये क्या हालत हो गई। लास्ट तक तो केस नहीं दिखा पाया ना सर, अरे पानी का अभाव, इतना पानी और मिलता भी नहीं इनको कुछ। आगे जाके लो यार पानी, मेरी ही बदौलत तुम ऊपर उठोगे इस दुनिया की राख से। इसका नाम अभी उसने बताया बट शायद याद नहीं मुझे, इसका नाम डीजल गार्ड, सिग्नल भेजो कारवा आ रहा है। एक जंगबाज की टंकी खाली हो रही है, एक पूरे जीप से जोड़ो इसे। हीरोइन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यू नो वो एलियन वाली मूवी, उसमें शायद ये मैंने वो मेकअप की वजह से समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद वो ये हाँ कैसा भेज है हम पूरब जा रहे हैं। मैं सबको बता देता हूं, नया आदेश। ये क्या है, पति डीजल गट नहीं जा रही है। वो सड़क छोड़कर डैड मतलब ये भी हाँ, उसके मतलब सभी को बीमारी है कुछ ना कुछ। वो लोग अच्छे थे जो पानी भर रहे थे, अच्छे थे मतलब बीमारी तो नहीं थी ना उनको।
लाजवाब और बेबीज विल नॉट बी लाजवाब लाजवाब हमारे बच्चे बिल्कुल कभी ना कभी कोई बगावत कर सकते हैं। जान के मालिक नहीं हो सकते, कभी ना कभी कोई बगावत करता ही है। वो उन्हें कहां ले जा रही है? वो उन्हें नहीं ले गई, उन्होंने जाने की मिन्नत की। मेरे काम से उन्हें सम्मान दूंगा। वीर कुछ बोल ही नहीं रहा। ये आ गया उनका दुश्मन का इलाका। तरक्की कर ली, आज नहीं, आज मुझे मेरा दम दिखाना। खुद को देख, तू खड़ा नहीं हो सकता, जंग क्या लड़ेगा? इसने ठीक कहा, मुझे यहाँ बीमारी की सर है, जंगली जानवर है ये। बिल्कुल ठीक, हाई ऑक्टेन जंगली खून डाल दिया मैंने। ये हुई ना बात, ले चल इसकी ब्लड बैंक। ठीक है, आपने ये मूवी देखी है और आपने जब देखी थी ये मूवी क्षितिज को देख रहे थे? नहीं, मेरा इंतजार है, जन्नत में मेरा इंतजार है। और लोग बुला रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मदद के लिए या कोई झांसा है? लंबा रास्ता है।
बेवकूफी आप भुगतेंगे। चलो गिटार हीरो की गाड़ी कैसे उड़ सकती है। पहले हम गिद्ध गैंग से उसका पीछा छुड़ाएंगे।
अंदर निकल जाएगी। मैं हुआ बंदा जो सूरज को निकलकर जन्नत जाता है।
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोल ही नहीं रही वो उसको उनका दुश्मन का इलाका। ये हमारे इलाके में क्या शान पड़ेगी ब्लड बैंक, हमने इसे जिंदा। संजीव चमकीली जोत जरूर मेरा शुक्रगुजार होगा। मेरा जैकेट ले लो, तुम जैकेट के सिवा भी कुछ मांग सकते हो। हमारी घाटी ये पिक्चर में ही सब अजीब है। यहाँ से निकलना चाहती हो तो जो कहती हूँ वो करो।
गलत स्विचेस, सीक्वेंस मैंने सेट की थी। तुम अंदर आ जाओ। इनके बगैर नहीं। अरे यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम एक शैतान की मेहरबानी पर भरोसा कर रहे हो, उसकी एक बीवी को तो घायल कर चुके हो, तुम्हें लगता है वो तुम्हारा शुक्रगुजार होगा? आ जाओ। जरूरी नहीं ये जो कहे तुम करो। और कोई रास्ता है क्या? हीरो नहीं उड़ेगा, लेकिन हीरो की गाड़ी कैसे उड़ सकती है? डीजल करवा ले, माल मत खराब करो। बड़े टैंक को मस्तूलिए, आतिश मार। यहाँ से सुरक्षित गुजरने की डील की थी इनसे। शायद तुम्हें टैंकर चलाना पड़े। तुम कुछ भी हो जाए नजर मत आना, मुझे अकेली होना चाहिए। Get out.
नॉट करो। उन्होंने देखा, उन्होंने सब देखा। मेरा ब्लड बैंक जो टैंकर चला रहा था, ऐसा मत करो। मैं कहूंगी कि ये तुम्हारे नसीब में नहीं था। मुझे लगा मेरी जिंदगी किसी बड़े काम के लिए बची। चंगे तो अब बड़ी वाली के सिर्फ चार गोलियां हैं, तो ये तो बिल्कुल जवाब। इन्हें वंश विनाशक कहा करती थी। एक चलाओ और किसी की जान जाते। देखो
और अब तो हमें दलदली इलाके में। तुम्हारी बीवी आखिरी सांसें ले रही है बच्चे का। अंदर तो खामोशी छाई हुई है। उसे निकाल बाहर दिखा उसे। अफसोस है एक महीना और रहता तो सबसे एरेक्टस, तुमने भाई गवा दिया जो हर तरह से सेहतमंद था। उधर इस चीज के आगे ऊंची जमीन है, मतलब पेड़ के आगे। हाँ, पेड़। क्या वो बढ़ते हुए गन फायर? बाहर निकलो, ये टैंकर चला चुका हूँ मैं। सच है, ये महारथी है। इंजन प्लेट्स चेक करते हैं। तो टैंकर चलाओ। एक फ्लेयर पकड़ा, मैंने पकड़ा हुआ है। और बहुत प्यासा। तुम्हें चंगी टैंकर को भी आधा किलोमीटर और आगे ले जाना पड़ेगा। अगर तुम इंजन ठंडे होने तक वापस नहीं आए तो तुम आगे बढ़ना। चोट लगी है? हाँ? ये शुद्ध दूध है। कुछ
कुछ नहीं हुआ, सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। कहाँ पैदा हुई थी? तो चली क्यों गई? गई नहीं, बचपन में ले गए थे। तुमने पहले भी कोशिश की है? कई बार। और इनका क्या? इन्हें उम्मीद की तलाश है। और तुम्हें? जीवन से मुक्ति। हे, वो क्या है? वो एक झांसा है। तुम टैंकर में रुको। मेरा कबीला स्वॉडल डॉग था। आंखें जानी पहचानी सी हैं, शायद ये जबासा की बेटी है। कितना वक्त गुजर गया? 7,000 दिन, और जो बेहोश थी वो अलग। हमारी मदद की है। इस वाली के तो पूरे दांत हैं। मैं घर अपनी हरी घाटी अगर तुम पश्चिम से आई हो तो वो पीछे रह गई। वो कौवे वाली जगह, वो तो बहुत भयानक जगह थी। मिट्टी खराब हो गई, हमें निकलना पड़ा। वहां पानी नहीं था, कीचड़ हो गया। वो जहरीला था और खारा भी। फिर कौवे आ बसे। कुछ भी नहीं उग रहा था। बाकी सब कहाँ है? कौन सा?
उसे सैटेलाइट कहते हैं। मिस किडी ने हमें बताया था। मैं सब इसके जरिए टीवी शो देखती थी। आपको लगता है कि अभी कहीं कोई बचा हुआ होगा? शोज ब्रॉडकास्ट करता हुआ? कौन जाने, वहां हर तरफ खामोशी छाई है। उस पार जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। अगर आप टूटी चीज ठीक नहीं कर सकते तो आप पागल हो जाएंगे। तुम खाओ मैक्स, खाओ तुम। तुम्हारे बचने का वादा वापस चले? वापस? हाँ। ये कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? क्या कह रहा है? और उस किले में क्या मिलेगा? हरियाली और पानी। जाता है वो पानी? वो जमीन से पानी निकालता है, उसे पानी कोला कहता है और सब अपने कब्जे में रखता है। हम उसकी जायदाद हैं क्योंकि पानी उसका है। क्या वाहियात इंसान है। हाँ ये हो सकता है। चाहते हैं वो डर्रे की तरफ जा रहे हैं, वापस किले पर जा रहे हैं। वो जानते हैं किले पर रक्षक नहीं है। मुड़ मत। स्पीड बढ़ा रहा हूं, बस थोड़ी सी।
मैं इसे खत्म करता हूं। रास्ता बंद करके तुम्हारे पीछे आऊंगा। चलो जल्दी करो, हम दर्रे के करीब हैं।
ऐसी आवाज क्यों कर रही है? सांस की हवा फेफड़ों में नहीं जा पा रही है। जब ये सांस लेती है तो हवा फेफड़ों के आसपास घूमती है। मेरा नाम मैक्स। उसके पास कुछ है। वो लौट आई।